हमारे राजस्थान के प्रभारी सम्मानी अजय माकन साहब से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और सभा को संबोधित करें। हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, गोविंद सिंह दोतासरा जी, सचिन पायलट जी, हरीश चौधरी जी, रघुवीर मीना जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश कोडनिया जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम साथियों, भाई और बहन, हम सब लोग यहाँ पे आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में केवल एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। कल उदयपुर में हम लोगों का नव संकल्प शिविर समापन हुआ और नव संकल्प ऐलान के अंदर एक नारा दिया गया, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और भारत जोड़ो का नारा क्यों दिया गया, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप सब लोगों को बताना चाहता हूं। भारत जोड़ो का नारा इसलिए दिया गया है कि आज हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है भारत को तोड़ने के लिए। भारत केवल भूगोलिक समूह का कुछ अलग अलग टुकड़े इकट्ठे करके, भारत केवल एक भूगोलिक एक एंटिटी, एक भूगोलिक आस्था नहीं, भारत हमारे देश के अंदर एक एक व्यक्ति, एक एक समुदाय, एक एक धर्म का, सभी का मिश्रण है, ये भारत है। और जब आज हमारे देश के अंदर गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है, तो भारत टूटता है। आज जब हमारे देश के अंदर एक धर्म को, आदमियों को, एक धर्म को मानने वाले लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, तो भारत टूटता है। आज हमारे देश के अंदर जब आदिवासी, हमारे देश के अंदर दलित, हमारे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर प्रताड़ना होती है, तो हमारा भारत टूटता है। भारत को, ये भारत को तोड़ने से बचाने के लिए हमारा नारा है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करके भारत को जोड़ने का काम करेगी। और इसलिए राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी आए मेरे साथ मिल करके आप लोग नारा लगाएं। मैं बोलूंगा जोड़ो जोड़ो, आप बोलेंगे भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। ये भारत को जोड़ना जरूरी है। भारत के हर भाई, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग जब जुड़ करके, मिल करके काम करेंगे, तभी भारत से बेरोजगारी दूर होगी, तभी भारत से भ्रष्टाचार दूर होगा, तभी भारत के अंदर अमन और चैन स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।